हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है UPPCS मेंस 2018 के लिए प्रश्न पत्रों का प्रारूप जारी कर दिया है। प्रश्न पत्रों की संख्या भी जारी कर दी गई है। किस तरह से कितने कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये सब जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं वो नोटिस जो अभी आई है, आज ही के दिन 2 अप्रैल 2019 को आई हुई है। आइए चल के देखते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको हम क्लिक करते हैं तो नोटिस में ये PDF में है और ये हम ओपन करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो डाउनलोड करने के बाद ये नोटिस खुल गया दोस्तों। लिखा है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या फला फला फला, दिनांक प्रयागराज 2 अप्रैल 2019। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सामान्य चयन, दिव्यांगजन, बैकलाग, विशेष चयन, मुख्य परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पत्र फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के निर्धारित नए पाठ्यक्रम परंपरागत के आधार पर प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। यानी हर प्रश्न पत्र में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में, हर में 20 क्वेश्चन कुल होंगे तथा सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न लघुत्तरी एवं 10 प्रश्न दीर्घोत्तरी होंगे। तो लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 125 एवं दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 200 होगी। अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी एवं निबंध तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 30 मार्च को जो आयोग पर अभ्यर्थियों ने धरना किया था, उसके जवाब में जो मीडिया प्रभारी ने कहा था बात कि मॉडल पेपर हम नहीं जारी करेंगे, प्रश्नों की संख्या हम बता देंगे, तो उनकी कही हुई बातों पर सरासर खरा उतर रहा है और सारी बातों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो जो उन्होंने कहा था वो सारी बातें आने वाले भविष्य में सत्य साबित होने वाली हैं। यानी जिस समय पर रिजल्ट आने को बोला है, जिस समय से परीक्षाएं कराने को बोला है, शायद आने वाले समय में वो परीक्षाएं उसी टाइम पे आयोग करवा दे। नहीं करवाएगा तो इसी तरह से हम लोगों को फिर जा कर के वहाँ से उनसे प्रश्न पूछेंगे, इसी संख्या में जाकर, इतनी संख्या में जाकर के हमें पूरा प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार बनता है दोस्तों। तो वो वीडियो जिसमें मैंने सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से मीडिया प्रभारी ने हमारे छात्र नेताओं से, जो अभ्यर्थी हैं उनके नेताओं से बात करके बताया किन किन परीक्षाओं को कैसे कैसे कराएंगे, वो सारा वीडियो मैं ऊपर आई कार्ड पे लिख दे दूँगा और लास्ट में जो हमारा एंड स्क्रीन पे भी उसका मैं लिंक दे दूँगा। तो आप जा कर के अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्या क्या किस तरह से आयोग के मीडिया प्रभारी ने सारी बातें कही हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।